अच्छा दोस्तों, तो हमारी दूसरी जर्नी की शुरुआत हो गई है बाबा केदारनाथ जाने के लिए, और ये हमारी बाइक है। मिलते हैं आगे रास्ते में। जय बोलो कि दोस्तों, अभी हमने दिल्ली क्रॉस कर दिया है और यहाँ से हरिद्वार टोटल दिखा रहा है अभी 197 किलोमीटर, एंड मेरी बाइक अभी 4185 किलोमीटर चल चुकी है। अब देखते हैं केदारनाथ बाबा के पास पहुँचने तक हमें कितनी बाइक चलानी पड़ेगी, तो इससे आइडिया हो जाएगा हमें, हम अपना पेट्रोल की कॉस्टिंग का आइडिया लगा सकेंगे। देखते रहिए, अब नज़ारे बढ़िया बढ़िया आगे। जय भोले बाबा की। हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं, ये सामने अपने भोले बाबा, जय हो भोले नाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। तो हरिद्वार तो आपने सब देख ही रखा है मेरे पहले वाले ब्लॉग में, अगर नहीं देखा हो तो देखना ज़रूर, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बाकी जैसे हम अभी केदारनाथ जा रहे हैं ना दोस्तों, तो केदारनाथ में आपको सबको पता तो है ही कि चढ़ाई काफ़ी है, 18 किलोमीटर लमसम है। तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले घूमने वाले बंदे हो और आप अकेले ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हो, या कभी सोचते हो कि चलो एक बार अकेले हो जाते हैं और कभी गए नहीं हो, तो फिर आप मेरा वो हरिद्वार वाला ब्लॉग ज़रूर देखना। उसमें मैंने दिखाया हुआ है कि आपको पहले मनसा देवी जाना है, फिर चंडी देवी जाना है, कैसे कैसे जाना है। मनसा देवी की चढ़ाई इजी है, चंडी देवी की चढ़ाई थोड़ी टिपिकल है, और उसके बाद हम गए थे नीलकंठ बाबा के यहाँ। तो मेरी ऋषिकेश और नीलकंठ बाबा वाली प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक करना आप, तो उसके बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा लगभग चढ़ाई किस तरीके से, आपको स्टेमिना किस तरीके से अपना चेक करना है। तो ऋषिकेश एंटर कर रहे हैं हम, तो ये साइन बोर्ड आ रहा है न्यू टेरी 72 उत्तरकाशी 168 गंगोत्री। यहाँ आके कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं तो अब तक तो ऐसा लग रहा था कि भैया बस गाड़ी भगाते रहो, रुको मत, गर्मी इतनी हो रही थी। टेरी के लिए लेफ्ट, गंगोत्री लेफ्ट, बद्रीनाथ राइट। तो हम बढ़ चुके हैं केदारनाथ की तरफ, और मैं सोच रहा था कि मैं बीच में कहीं रुकूंगा ऋषिकेश वगैरह, लेकिन अभी तक मुझे कहीं रुकने का मन ही नहीं करा। हालांकि मैं सुबह से चला हुआ हूँ और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ है, और बाइक को भी थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत है, काफ़ी देर से लगातार चल रही है बाइक। तो भी बस हमने बाबा केदारनाथ जाना की शुरुआत ही करी है, क्या नज़ारे दिख रहे हैं, और यार रोड पर इतना मज़ा आ रहा है ना। हालांकि धूप है, तेज है, पर फिर भी इस रास्ते पर हवा इतनी प्यारी लग रही है, और बाइक चलाने का यार इतना मज़ा आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो और बाइक से आ सकते हो तो कसम से ज़रूर आना, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। मतलब ये शुरुआत हुई है रास्ते की बस, और शुरुआत में ही ऐसी ऐसी फील नहीं आने लगती मुझे। मतलब ऋषिकेश तक तो खैर कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, सब वही धूल मिट्टी, धूप, ट्रैफिक, लेकिन जैसे ही ऋषिकेश के आगे चढ़ाई का रास्ता स्टार्ट हुआ है आपका टेहरी की तरफ जाने को, अरे मज़ा ही आ गया। मतलब उस रास्ते पे मैं आया हूँ और अभी मुझसे 10 मिनट ही हुए होंगे ऊपर आए हुए, और ऐसी फील आ रही है, पता नहीं क्या बात है। थोड़ी सी ऊपर आ गई, क्या नज़ारे दिख रहे हैं, और इसी के इसके ऊपर छोटा दिख रहा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। देखो दोस्तों क्या नज़ारे दिख रहे हैं, देखो यार क्या कहने, दिल खुश हो गया। यहाँ के तो मेरी अब सारी थकान जो अभी तक मुझे दिल्ली से यहाँ पर आने में हुई
लिया था कि भैया केदारनाथ जाने का कौन सा रास्ता है, तो उन्होंने कहा आप इधर से चले जाओ। मैंने रखा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कह रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उन्हीं से पूछ के आया था, तो इसलिए जब उन्होंने कहा है तो अभी रास्ता सही होगा। मज़ा ही आ गया यार, नज़ारे तो नज़ारे, हवा ठंडी ठंडी और पहाड़ के ये मोड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे यहाँ तक तो बाइक लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो क्या नज़ारे दिख रहे हैं हमें यहाँ से। और अभी हम चंबा पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं रुका था अभी ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट का हो या लंच का हो, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे निकला था दिल्ली से, उसके बाद मैं यहीं पर रुका हूँ। आपको कभी मौका मिले इधर आने का बाइक से तो ज़रूर आना। 200-250 किलोमीटर बाकी अभी केदारनाथ बाबा जाने में, लेकिन यहीं से इतने बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिख रहे हैं ना, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ बाइक चलाने में। और नज़ारे तो फिर अरे शिव शंकर भगवान धरो तेरा ध्यान ज्ञान का वर दीजो, दया करो महाराज आज तुम काज दास का कर दीजो। क्या बात है, क्या कहने, पूरा 180 डिग्री। तो भाई लोगों जरूर आओ, जल्दी आओ केदार बाबा के दर्शन करने के बहाने, इस रास्ते का मज़ा लेके जाओ, बहुत बढ़िया। और एक बात है, अपना पेट्रोल पूरा फुल करके चलें, क्योंकि अभी तक रास्ते में एक पेट्रोल पंप ही दिखाई दिया है मुझे। अभी दिखा रहा है देवप्रयाग 70 किलोमीटर, यमुनोत्री 208 का आज़ादी। तो चलो देवप्रयाग 70 किलोमीटर है, ये जान के मुझे खुशी हुई। और टाइम देखूंगा मैं देवप्रयाग पहुंचने पे, अगर टाइम बचा अंधेरा होने में तो मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँगा, शायद रुद्रप्रयाग ही जा के रुकूँ। लेकिन अगर अंधेरा हो गया, मतलब या होने वाला हुआ, तो फिर मैं देवप्रयाग में स्टे करूँगा आज, और फिर कल से हम सुबह अर्ली मॉर्निंग में अपनी यात्रा शुरू करेंगे आगे। फ़िलहाल यहाँ तक का रास्ता मुझे बहुत पसंद आया, और आगे भी अच्छा ही होगा। जब यहीं तक इतना अच्छा है तो आगे तो फिर और भी बढ़िया होगा। चलाने का जो मज़ा आ रहा है उसको शब्दों में बता नहीं सकता मैं। और काफ़ी बंदे यहाँ बाइक से आए हुए हैं टूर करने, वो देखो वो भी बंदे जा रहे हैं, भाई भी जा रहे हैं अपने पूरे लगा के। ये काफ़ी देर बाद कुछ शहर या गांव सा नज़र आने लगा है, शहर ही है वैसे, इतना बड़ा गांव तो हुआ नहीं। तो काफ़ी देर बाद ये कुछ नज़र आया है, बाकी अब तक तो ऐसे ही रास्ते चल रहे थे और रास्ते भी बहुत बढ़िया चल रहे थे कि अभी भी चल रहे हैं। और सही बताऊँ तो बहुत इन्जॉय हो रहा है बहुत ज़्यादा, जो मज़ा आ रहा है यहाँ पे मैं आपको क्या ही बताऊँगा, बहुत बढ़िया लग रहा है। और थोड़ी देर पहले साइन बोर्ड में लिखा था देवप्रयाग 70 किलोमीटर, तो मेरे हिसाब से वहाँ से लेके 15-20 किलोमीटर तो हम आ ही गए होंगे। और अब
जाके दिखाई दिया है शहर का। पता नहीं इधर से ही होके हम आगे जाएंगे या इधर कहीं पहाड़ कट जाएगा, ये तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बंदे आ रहे हैं और रोड भी बहुत बढ़िया है। अभी तक तो कोई रोड ख़राब मिली नहीं पूरे रास्ते में। अगर आगे कुछ होता है तो वो भी हम देखेंगे। फिलहाल बहुत मज़ेदार रास्ता है। और अभी इस समय ठंडी हंड का एहसास भी होने लग गया है, हवा में ठंडक अच्छी खासी है और साफ पता चल रहा है कि धूप जाएगी तो हवा में ठंड क्या हो जाएगी। तो वो जो शहर नज़र आ रहा था हमें अभी, वो कुछ और नहीं चंबा ही था। तो हम अभी चंबा पहुंच गए हैं, देहरादून 85 मसूरी उधर गंगोत्री यमुनोत्री तक। चंबा से आगे साइन बोर्ड बना हुआ है चंबा की तरफ जाते ही, मेरे ख्याल से चंबा मेन सिटी से पहले ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत ही दुकानें आई थी बस, तभी साइन बोर्ड आ गया चौराहे पे ही। तो टेहरी की तरफ हमें जाना है। यहीं से ही कटर टीरी वाला जो है वो अपना वहाँ जाएगा केदारनाथ, और जो दूसरा कट पड़ रहा है वो अपना यमुनोत्री गंगोत्री। तो अगर आपको यमुनोत्री गंगोत्री जाना हो तो यहाँ से आप लेफ्ट साइड कट ले लें, और केदारनाथ की साइड जाना हो तो इस साइड आ जाएं। इस साइड केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों पड़ेंगे अपने। जय बोलेगी। तो चंबा के बाद से कट लेने पे अब हम फिर से नीचे ही उतरने लग गए और नीचे की तरफ ही चलते जा रहे हैं। और यहाँ जो कट पड़ रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ा आ रहा है बाइक को यहाँ टर्न करने में। बहुत सही सही कट हैं, देखो आप कितना बढ़िया लग रहा है। और काफ़ी सारे राइडर्स आए हुए हैं यहाँ पे, ये देखो साथियों क्या कहने। तो आपको कैसे लग रहे हैं ये नज़ारे, ये व्लॉग कैसा लग रहा है आपको कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करना मत भूलना। और जिनको ये नज़ारे देखना पसंद है उनके साथ शेयर भी करना, दूसरों को भी तो मज़े दिलवाओ यार। तो देख रहे हो आप कैसे लोग ओवरटेक करके लाते हैं, तो जब भी मोड़ हो तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी तो जब क्लियर सब दिख रहा है तब तो जितनी भगा लो कोई दिक्कत नहीं है, बस मोड़ पे थोड़ा स्लो हो और ब्रेक पे कंट्रोल अच्छा हो, स्पीड ज़्यादा ना हो। अगर मुझे लगा अंधेरा होने वाला है तो मैं कहीं ना कहीं कमरा देख के अपना आज का जो ब्लॉग एंड कर दूंगा, फिर हम कल से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि मैं शायद रुद्रप्रयाग तक पहुँच जाऊँगा अंधेरा। दोस्तों श्रीनगर 84 किलोमीटर, डोबरा 13, टीरी डैम 8 किलोमीटर, कोटी कॉलोनी 4। तो मैं श्रीनगर जाना है ऊपर। तो यहाँ से हम अपना श्रीनगर की तरफ तक पड़े हैं, ये दिखा रहा है। तो ये देखो ये नज़ारा दिखता है हमें यहाँ का टीरी डैम का, और यहीं से होके हम आगे जाएंगे केदारनाथ बाबा के पास। तो नज़ारे तो भाई साहब बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, आप यहाँ आओ आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक से एक नज़ारे देखने को मिलेंगे। और बाइक से आओगे तो बाइक चलाने में बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। देखो यार क्या व्यू दिख रहा है, फोटो कैप्चर करें क्या, चलो आगे से करेंगे।
चेहरा, ये देखो क्या नज़ारा दिख रहा है। और बाइक बंद करने के बाद शांति ही शांति। तो चलो दोस्तों, मैं कुछ फ़ोटोज़ लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे आप चेक करना डिवाइन ट्रेवल अलोन, जय बोलेगी। ये देखो यार क्या नज़ारा दिख रहा था हम पे, दिल खुश हो गया देख के। और अभी तो हम आधे रास्ते ही आए हैं केदारनाथ बाबा के, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आ गए होंगे। देख रहे हैं आप टिहरी लेक पहुंच चुके हैं हम, और बाकी केदारनाथ बाबा की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो सीधे आते हुए ये पड़ता है, अगर आपको झील पे जाना है नीचे तो आप इधर जा सकते हो, टिहरी झील लिखा हुआ है, नीचे जाके आपको झील का व्यू बोटिंग वगैरह करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी सीधा जाएंगे हम केदारनाथ बाबा की तरफ, जय भोले बाबा की। देखो तो यहाँ तक तो मैं पहले आया हुआ हूँ, खैर इसके आगे नहीं गया मैं कभी, इसके आगे जो भी जगह दिखेगी वो मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं होगी। जो डैम का बोर्ड होता है वहाँ से सीधा आना है हमें, दो तीन मोड़ आते हैं, दो तीन कट पड़ते हैं दूसरे पहाड़ों की तरफ, तो हमें उस पर नहीं जाना, हमें सीधा आना है और सीधा आके एंट्री सी पड़ेगी। CISF का एरिया है ये सारा, तो वो रोकते हैं, उन्होंने मुझे मैंने उनसे पूछा, मैंने केदारनाथ का रास्ता यही है क्या, तो उन्होंने कहा यही है, सीधा जाके इधर मुड़ जाना, यही है केदारनाथ बाबा का रास्ता। सही में बहुत तगड़ी चेकिंग है, CISF वाले बहुत खड़े हैं यहाँ, और आपकी ज़रा से भी गलती पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी ये देखो व्यू क्या है, क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है। वापसी आने का एक दूसरा रास्ता भी है जो अपना लहसा होते हुए आता है, जो ऊपर कनेक्ट हो जाएगा आगे जाके रुद्रप्रयाग या श्रीनगर में। तो वापसी जब मैं आऊँगा केदारनाथ से तो उस रास्ते से आऊँगा, ताकि हम उस रास्ते का भी आनंद ले सकें। बाकी यहाँ से तो सारा रास्ता मुझे बढ़िया बढ़िया लग रहा है। टिहरी कांगड़ क्षेत्र में सदारने का आपका हार्दिक स्वागत है। नेविगेशन के भी यहाँ तक आने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कुछ जगह दिखी चार पांच जहाँ मैंने रुक के ज़रूर पूछा, लेकिन इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारा रास्ता सीधा सीधा ही है। बस शुरू में एक रास्ता आता है जहाँ से हम चढ़ाई शुरू करते हैं, बस वहीं पे आपको सीधा कट लेना है, वहाँ से अगर आप सही ले लिए तो फिर सीधा सीधा ही आना है चंबा तक, और चंबा के बाद फिर जो कट करता है वो भी सीधा सीधा यहाँ पे आ रहा है। क्या बात है, ओए भाई क्या कहने, क्या मोड़ आया।
केदार मंदिर 64 किलोमीटर। तो वहाँ से ऊपर 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 आते आते ये पीछे रास्ता एक और जा रहा है और ये एक रास्ता जा रहा है बूढ़ा केदार मंदिर। तो हम यही होना चाहिए केदारनाथ बाबा का जाने का रास्ता। क्या कहने इस रास्ते पे तो अलग ही मज़ा आ रहा है यार। व्यू देखो आप लोग, ये देखो यार व्यू यहाँ से कितना शानदार लग रहा है, कितना शानदार व्यू है। यहाँ मुझे रोक के आपको दिखाना ही पड़ा, बाकी फोटो वोटो लेता हूँ। यहाँ ये बोर्ड पड़ता है, लिखा हुआ है इसमें पौड़ी 80 किलोमीटर, श्रीनगर 51, कीर्ति नगर 46। अगर श्रीनगर पहुँचने तक अंधेरा नहीं हुआ तो बढ़िया है, हम श्रीनगर ही पहुँचेंगे सीधा। और अंधेरा अगर पहले हो गया तो देवप्रयाग बीच में पड़ा तो हम मार जाएंगे। दूसरा अब ये साइन बोर्ड पड़ा, नामगांव 48, श्रीनगर 44, घनसाली 22, पीपल डाली ब्रिज। ये कैसा नाम हुआ भाई, पीपल डाली। तो फिलहाल श्रीनगर अपना 44 किलोमीटर रह गया है और ये जो लेक चल रही है ये वही टिकरी वाली लेक चल रही है अभी तक, और हमें घूमते घूमते काफ़ी देर हो गई। दोस्तों यहाँ पे आके असली पहाड़ लग रहे हैं कि हाँ भाई ऊंचे लेवल के कुछ पहाड़ हैं, क्योंकि ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना ये अलग ही फील दे रहे हैं कुछ। और हम काफ़ी आगे आ गए हैं, लास्ट साइन बोर्ड श्रीनगर का दिखा था अपने को 44-46 किलोमीटर का, तो 8-10 किलोमीटर तो और आगे आ ही गए हम। बाकी अब यहाँ पर कान बंद होने खुलने शुरू हो गए हैं, मौसम बढ़िया लग रहा है, हवा जय भोले की। तो दोस्तों वो जो सामने आप देख रहे हो पानी का वो संगम है यहाँ रुद्रप्रयाग में। मैं कल चलते चलते टीरी से होता हुआ श्रीनगर होता हुआ यहाँ पहुँच गया था, और कैमरे की बैटरी ऑफ हो गई थी इसलिए मैं आगे के रिकॉर्ड कर नहीं पाया, और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो गया था। वैसे जो सीधा वाला रूट है ऋषिकेश से देवप्रयाग आने का, वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो रूट बंद कर रखा है, नहीं तो हम सीधा वहाँ से आएंगे और काफ़ी शॉर्ट पड़ता है हमें। और बाकी ये मैंने जूमिया ले लिया था कल रात 8 बजे, मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो न्यू टहरी वाला जो रूट है वो ऑलमोस्ट 150-200 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, और कल रात जब मैं आया तो मैंने रूम लिया सबसे पहले, ये देखिए आप, ये रूम मुझे मिल गया था मात्र 500 रुपये में। वैसे तो 700 रुपये से रूम कोई कम मिल नहीं रहा था, पर काफ़ी देर बाद मिल गया था। तो चलिए अब चलते हैं संगम पे, देखेंगे।